नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फुलबड़िया गांव के प्राथमिक विद्यालय फुलबड़िया में फलेरिया का दवा खाने पर दर्जनों बच्चे बेहोश। एनएम अनुराधा स्कूल पहुंचकर सभी बच्चों का किया इलाज, सभी बच्चे हैं स्वस्थ। पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस लाइन में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। आपदा में जान गंवाने वाले 60 लोगों को जिलाधिकारी ने दिए 4,00,000 रुपए का अनुदान राशि। SDRF की तरफ से CPR को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ कार्यक्रम। 26 फरवरी को होगा उर्स महोत्सव, धर्मगुरुओं ने कहा इंसानियत है सर्वोपरि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सबौर मेले का हुआ समापन। फुटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। गोलीकांड में संलिप्त सभी अपराधियों की हुई पहचान, जल्द होंगे सलाखों के पीछे। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज के फुलबड़िया गांव के प्राथमिक विद्यालय फुलबड़िया में स्कूली बच्चे को शिक्षक के द्वारा अल्बेडा जोल फलेरिया का दवा खिलाने पर दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। शिक्षकों के द्वारा इस घटना की सूचना रेफरल अस्पताल एवं ग्रामीणों को देने पर स्कूलों में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्कूली बच्चे की माता तेत्री देवी ने बताया कि स्कूल में बच्चे को दवा खिलाने पर बच्चे उल्टी करते हुए बेहोश हो गए। गांव के दर्जनों बच्चे दवा खाकर बेहोश हुए हैं, जिसमें हमारी पुत्री मौसम कुमारी कक्षा प्रथम एवं सनी कुमार कक्षा 5, पिता सुधीर मंडल, प्रतिमा कुमारी कक्षा 2, पिता मुझे मंडल, हेमा कुमारी कक्षा 4, पिता रामचंद्र मंडल सहित अन्य बच्चे बेहोश होने पर घंटों बाद रेफरल अस्पताल के ANM अनुराधा स्कूल पहुंचकर बच्चे को इलाज किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक कैलाश पति दास ने बताया कि सभी बच्चे को फलेरिया का दवा एवं एल्बेडा दवा खाने पर बच्चे बेहोश हो गए हैं, जो सभी बच्चे का ANM के द्वारा इलाज करने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इस दौरान तमाम ग्रामीण भी मौजूद थे। क्या हुआ था? स्कूल में? कौन स्कूल में? पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस लाइन भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और जिले के सिविल सर्जन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच शिविर में सभी पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी सहित सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट पुलिस कर्मियों के लिए किए जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं। अगर कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज भी यहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं और इन्हें शिविर की तरफ से दवा भी मुहैया कराई जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में पुलिस कर्मियों के जांच होने से यह पता चलेगा कि वह कितने स्वस्थ हैं और उन्हें कोई परेशानी अगर है तो उसका इलाज भी हो पाए, इसको लेकर यह कैंप लगाया गया है। पर्पस यही है कि हमारे जो पुलिस कर्मी या पदाधिकारी जो इतने स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं, पुलिस का काम अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ब्लड शुगर लेवल हो, ब्लड प्रेशर हो, या किडनी फंक्शन टेस्ट हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, इत्यादि टेस्ट कराए जाएंगे ताकि उनके उनके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और वो अपने काम में 100% दे सकें। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जिले में 60 अनुग्रह अनुदान के लंबित मामले में परिवार वालों को 4,00,000 रुपए का अनुदान राशि दिया गया। किसी तरह की आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा आपदा निबंधन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को यह मुआवजा की राशि दी जाती है। इसको लेकर लंबित पड़े 60 मामले में आज चेक दिया गया है। ट्रेजरी के माध्यम से पीड़ित के परिजनों के खाते में 2,40,00,000 रुपए भेज दिया गया है। 60 जो है अनुग्रह अनुदान के मामले लंबित थे, जिसमें 4,00,000 रुपए की राशि दी जाती है अगर परिवार के निकटतम स्वजन की मृत्यु होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है आपदा प्रबंधन विभाग से 4,00,000 रुपया जो है उनके निकटतम आश्रित को दिया जाता है। तो ऐसे 60 जो आश्रित हैं उनको आज हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया है और ट्रेजरी के माध्यम से राशि ऑलरेडी उनके खाते में 2,40,00,000 रुपया भेज दिया गया है, जो अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सभी अंचलों से है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है किसी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा में अगर किसी ने अपने परिजन को खोया है तो उनको हम लोग यथाशीघ्र जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से पहुंचा दें।
समीक्षा भवन भागलपुर में SDRF की तरफ से CPR को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ADM और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय और सभी विभागों के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक की परेशानी होती है तो उसे किस तरह से CPR देकर बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मॉकड्रिल के माध्यम से बताया गया कि जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी हो तो उसे किस तरह से फर्स्ट एड के साथ उसके जीवन की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी गई है। भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में आगामी 26 फरवरी को उर्स महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। उर्स महोत्सव को लेकर दूरदराज से इस्लामिक धर्म गुरुओं का आगमन हो चुका है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सैयद साहब फकरे आलम हसन सजादा नसीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह उर्स महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें इस्लामिक धर्म गुरुओं मौलाना सैयद सलमान नंदनी हुसैनी लोगों से रूबरू होंगे। वहीं मौलाना सैयद सलमान ने कहा कि उर्स महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य होगा। इसी को लेकर कहा कि देश में धर्म और जाति के नाम पर हिंसा बढ़ती जा रही है और आजकल की युवा पीढ़ी जाति उन्माद के रंग में ढलती जा रही है, जिसे निजात पाने को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इंसानियत और एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सहयोग की भावना ही मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही कहा कि आज लोग धर्म और जाति के नाम पर अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए खास तौर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा पान के आदि व्यक्तियों को भी नशा से निजात पाने को लेकर एक सही रास्ता मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान खान का सहबाजिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। खानका पीर दमड़िया शाह की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे नाना थे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जमशेदपुर और रावणकीला के खतरनाक फसादात के बाद मकाम इंसानियत और प्याम इंसानियत के उन्वान से मुतअद्दिद तकरीरें की थीं, जिनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हजरात तशरीफ लाते थे और उनके वो खिताबात और तकरीरें होती थीं। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में लगे कृषि मेले के समापन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। उन्होंने कृषि मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया, खासकर मखाना प्रोसेसिंग के बारे में जाना। उन्होंने मोटे अनाज से बने केक को भी काटा, साथ ही किसान को कैसे बढ़ावा मिले इस पर उन्होंने 3 पुस्तक का भी लोकार्पण किया। कृषि मेले के तीसरे दिन जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है उसके अनुकूल खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उस पर कृषि विश्वविद्यालय और काम भी कर रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। उन्होंने कई तरह के विषयों पर चर्चा की। मंच से प्रोफेसर RK सुहाने ने बताया कि जलवायु के अनुकूल खेती करनी चाहिए, इससे पैदावार के साथ साथ आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। जल जीवन हरियाली पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसंधान का ही ये परिणाम है कि हर जगह जल जीवन हरियाली का मॉडल अपनाया गया। वहीं उन्होंने बताया अब मौसम के अनुकूल खेती करने को लेकर किसानों को बताया जा रहा है। फसल चक्र के बारे में भी चर्चा की गई। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े विश्वविद्यालय इस पर शोध कर रही है और किसानों तक पहुंचाती है, इससे किसानों के आमदनी को बढ़ावा मिल सकता है। 3 पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मेले में पहुंचे मंत्री ने 3 पुस्तक का लोकार्पण भी किया। इसमें पोषण वाटिका, कृषक समाचार व फसल रोग निवारण पर लिखे पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इससे किसानों को कई तरह की मदद मिलेगी। किसान इससे अपने फसल के रोग का निवारण कर पाएंगे। कि हमारे जो किसान, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, ये हाँ बैठ करके उस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि हम वैकल्पिक खेती भी करें। जैसे अभी धान का फसल है, अब बारिश कम हो रही है तो ऐसे समय में कौन सा फसल लगाएं। गेहूं का फसल हम लगा रहे हैं और मौसम अनुकूल नहीं है तो उसमें कौन सा फसल है, इसकी सारी जानकारी आपको स्टॉल स्टॉल घूम जाएगा मिल जाएगा। ये नेता लोगों से पूछने से नहीं होगा। तिलकामांझी चौक से सटे फुटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर यहां पर मछली बेचने से रोका जा रहा है। वहीं निगम के कर्मचारियों के द्वारा मछली विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके विरोध में मछली विक्रेता संघ के लोग एकजुट होकर आज धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को मछली बेचने की अनुमति फुटपाथ किनारे ही दी जाए या नहीं तो फिर नगर निगम प्रशासन कहीं पर मछली बेचने वालों के लिए जगह मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह आगे यह लोग आंदोलन करेंगे। ये मछली विक्रेता यूनियन है। इन लोगों को 12 फरवरी से मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है
और जो कोई विक्रेता यहाँ पर मछली बेच रहे हैं तो पुलिसों की प्रताड़ना झेल रहा है और उसका मछली छीन करके पुलिस यहाँ से ले जा रहा है। वो मछली कहाँ जा रहा है पता नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज बीते दिन बेखौफ अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को भागलपुर का पता पूछकर अपराधियों ने गोली मार दी थी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि एक शूटर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका इलाज चल रहा है और साथ ही पूछताछ भी जारी है। SDPO लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में बेस्ट ऑफिसर्स की टीम बनी हुई है और पिछले 24 घंटे में यह टीम लगातार जिलों में छापेमारी कर रही है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों की पहचान हो गई है, जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जानकारी दी जाएगी। देखिए, एक जो शूटर था वो तो मौके से पकड़ा गया और उसका इलाज चल रहा है, तो उससे पूछताछ भी हमारी टीम लगातार कल से कर रही है और उसमें SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारे जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनी है और वो लोग पिछले मुझे लगता है 24 घंटे ही हुए हैं इस घटना को और पिछले 24 घंटों में यह टीम लगातार 3-4 जिलों में छापेमारी कर रही है और जैसे ही जानकारी साझा करने लायक हमारे पास उपलब्ध होगा हम लोग आपको बुला के उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई है जिसका जो शूटर था जो मौके से पकड़ा गया था, बाकी लोगों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जैसे ही ऐसा कुछ हमारे पास आएगा हम लोग आपको बुला के बताएंगे। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।